अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज। मैं हूं हफ्सा मिन्हा। सबसे पहले हेडलाइंस। कोट छुट्टा के इलाके माना अहमदानी का वाहिद बुनियादी मरकज सेहत भूत बंगले में तब्दील। जगह जगह गंदगी के ढेर। शिफा के लिए आने वाले मरीज बीमारियां लेकर लौटने लगे। शोरकोट में झंग रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल और रिक्शे को टक्कर, एक शख्स जहां बहक, बच्चे और खातून समेत सात अफराद जख्मी। गवर्नमेंट एमसी गर्ल्स हाई स्कूल की नई इमारत में सिक्योरिटी के गैर मुनासिब इंतजाम, वालिदैन ने बच्चियों को स्कूल भिजवाने से इनकार कर दिया। वालिदैन का सर फखर से बुलंद करने वाला बेटा दुनिया में ना रहा। वकास की मुल्तान इंटरमीडिएट बोर्ड के जनरल ग्रुप में पहली पोजीशन, वालिद ने अपने बेटे का अवार्ड वसूल किया। और कबीरवाला का 40 साल नसीम अरशद बिनाई से महरूम होने के बावजूद इलेक्ट्रिशियन और फर्नीचर का बेहतरीन कारीगर है। सबसे पहले शामिल करेंगे कोट छुट्टा से तारिक मसवानी की रिपोर्ट। कोट छुट्टा के इलाके माना अहमदानी में सिर्फ नाम का ही बुनियादी मरकज़े सेहत मौजूद है, जिसमें दाखिल होते ही भूत बंगले का मंजर आंखों के सामने घूमने लगता है। लाखों की आबादी के लिए बनाए गए इस वाहिद बुनियादी मरकज़े सेहत के इहाते में गंदगी ही गंदगी है। चोरों ने भी दरवाजे और खिड़कियां उखाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मरकज में शिफा के लिए आने वाले मरीज गंदगी के बायस बीमार होने लगे हैं और इन मरीजों में मूजी अमराज फैलने का खतरा बढ़ गया। अहले इलाका ने हुकूमत से अपील की है कि मरकज़े सेहत को तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं। शोरकोट से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। झंग रोड पर मंगन पुल के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल और चिंगची रिक्शे को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक शख्स जहां बहक हो गया। हादसे में एक बच्चे और खातून समेत सात अफराद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू 1122 ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां से शदीद जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया है। और अब शामिल करेंगे मुल्तान से एटीवी की रिपोर्ट। वालिदैन का सर फखर से बुलंद करने वाला बेटा दुनिया में ना रहा। विहाड़ी के रिहायशी वकास ने मुल्तान इंटरमीडिएट बोर्ड के जनरल ग्रुप में 1013 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। वकास 11 जुलाई को ब्रेन हेमरेज के बायस इंतकाल कर गया था। वकास के वालिद ने जब अपने बेटे की कामयाबी की खबर सुनी तो वो खुशी और गम से आपदीदा हो गए। वजीराबाद शहर में गवर्नमेंट एमसी गर्ल्स हाई स्कूल की नई इमारत में सिक्योरिटी इंतजामात गैर मुनासिब होने और चादर और चार दीवारी के तकद्दस की पामाली के अहतमाल की वजह से वालिदैन ने बच्चियों को नई इमारत में भिजवाने से इनकार कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अकील अहमद खान लोथी से। बात को इमारत ज़ेरे तमीर होने की वजह से दूसरे स्कूलों में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। नई इमारत अभी तमीराती मराहल में है, जबकि बच्चियों को ज़ेरे तमीर स्कूल में सहूलियात की फराहमी के बगैर ही क्लासेस लगाने का इंदिया दे दिया गया है। तालबात का कहना है कि बुनियादी सहूलतों की फराहमी तक वो नए स्कूल में नहीं जाना चाहती, कि नई इमारत के हवाले से अवामी तहफुजात के बारे में वो बहुबी आगाह हैं और मुख्तलिफ हदशात से आला इंतजामियों को भी आगाह कर चुकी हैं। तालबात के अलावा खुद स्कूल के उसातदा भी गैर महफूज माहौल में स्कूल चलाने से होशज़दा हैं। ऐसे में स्कूल के बेहतरीन नतायज देना मुमकिन नहीं होगा। तालबात के वालदैन और अवामी समाजी हलकों का मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ खुद स्कूल का विजिट करें और मामलात को बेहतर बनाएं। कैमरामैन मोहम्मद यूनस के साथ अकील अहमद खान लोधी, एटीवी न्यूज वज़ीराबाद। डिस्ट्रिक्ट न्यूज से अब तक इतना ही, और अभी टीवी की लाइव नशरियात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट atv.com.pk। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।